नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। हम यहां पर किचन में ये फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर ये जो फिटिंग कर रहे हैं ये बड़ी समस्या है कि ये फिक्स फिटिंग है। यहां पर ये स्लैब बन रही थी किचन में, तो यहां पर ये पाइप कट चुकी है और ये पाइप UPVC की है, आधा इंच की। तो हमने ऊपर से तो ये सॉकेट लगा दिया है, नीचे से इसको जोड़ने का तरीका बताएंगे। ये फिक्स फिटिंग में आपको कभी ऐसी दिक्कत आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास ये है आधा इंच का UPVC का सॉकेट और सामने इसका जो आप देख रहे हो ये टक्कर बनी हुई है, दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ मैं। और मेरे हाथ में है तिकोनी रेती जो हम प्लम्बर भाइयों के पास होती है, तो हम इस रेती से इसका जो टक्कर है सामने सॉकेट के जो बीच में जो होता है दोनों तरफ पाइप चढ़ती है, उस टक्कर को हमें हटा देना है। तो अभी मैं इसको रगड़ के इसको हटा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से ही हटाना है। तो हम इसको ये हटा के इस सॉकेट को यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि फिक्स फिटिंग है तो हमें इसको जोड़ना है और इसके जोड़ने के लिए हमें ये ट्रिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ बीच में से, ये देखो अब ये प्लेन हो गया है रेती की सहायता से, ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। सामने जो टक्कर थी बिल्कुल हट गई है जैसा कि आप देख रहे हो, अब कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल रेती की सहायता से हटा दिया है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, तो लगाने से पहले ये आप ध्यान रखना है दोस्तों, अभी मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये जो सोलूशन अप्लाई करना है आपको ये थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, जो ऊपर और नीचे सोलूशन लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। और ब्रश की सहायता से हमें ज़्यादा ही सोलूशन लगाना है ऊपर और नीचे भी, और सॉकेट में भी सोलूशन फालतू लगा देना है, क्योंकि हम इसको फंसा करके पूरा नीचे लाएंगे सॉकेट को और पाइप को सामने लेकर के फिर हम उसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और दोनों जहाँ सॉकेट चढ़ता है उतना ही हम चढ़ाएंगे। तो अभी मैं इसको सोलूशन लगा दिया है और ये मैंने नीचे लगे बिल्कुल ऊपर लेके आ गया हूँ जो इसकी जगह थी, क्योंकि वो टक्कर बिल्कुल हटा दी थी मैंने रेती की सहायता से। और उसके बाद में भी आप अगर आपको कोई शक हो तो आप सोलूशन और भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लगने के बाद कैसे लगेगा। ये देखो सोलूशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये देखने में अच्छा नहीं, आप चाहे तो इसको हटा सकते हो, लेकिन ये तो अंडरग्राउंड फिटिंग है, इस पर ऊपर तो पलस्तर आ जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी दोस्तों फिक्स फिटिंग में हम कैसे इसको ठीक करते हैं कटी हुई पाइप को। ये ग्राइंडर से कट गई थी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।